नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोड टॉक्स में और मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप सिखवाल। होटल से चेकआउट कर लिया है और अब निकल रहे हैं यहां से और अभी कसार देवी टेम्पल जाएंगे, वहां से गोलू देवता टेम्पल जाएंगे और फिर आगे सोचेंगे कि कहां जाना है, क्या करना है। इस होटल की लोकेशन और व्यू इतनी ज़बरदस्त है, यहां से छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जर्नी कम्प्लीट करनी है, जाना तो पड़ेगा। एंट्री पे ये होटल का साइन बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा ही ज़बरदस्त है और कितने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। सदा भवानी दाहिने सम्मुख श्री गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कसार देवी टेंपल जाने का रास्ता देखिए कितना जबरदस्त है। हम जहां थे उससे थोड़ा और ऊंचाई पर है। कसार देवी टेंपल पहुंच चुके हैं, गाड़ी देखिए कहां खड़ी करी है और यहां सामने से व्यू देखिए कितना जबरदस्त है। प्रतिष्ठा नज़ारों का मज़ा ले रही है। वहाँ ऊपर कसार देवी टेम्पल है तो अभी वहाँ ऊपर चलते हैं। अन्ना लाल जी मिल गए, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम कैलकटा। बंगाली में बात कर रहे थे, मैंने सुना तो मैंने इनको बतला लिया। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एंड ही इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग बाय रोड, हैदराबाद से आए हैं। सो हाउ डिड यू लाइक दिस प्लेस? It's nice, awesome. मतलब I think this is the first time what I'm doing here. Hey, roadside we have traveled many places, but this side this is the first time what I did it. Like that's it my crowded नहीं है. Crowded नहीं है. Yeah, and road wise and everything was like smooth, I can say. Very nice place. Very nice place and very nice homestays and hotels. Yes. कसार देवी टेम्पल पे ये एक बोर्ड लगा हुआ है जो बता रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ पे मेडिटेशन किया था। इस मंदिर में स्वामी विवेकानंद से लेकर बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन किया है और वर्ल्ड में खाली तीन ऐसी जगह है जहाँ जियो मैग्नेटिक रेज नहीं है, रेडिएशन नहीं है, और उनमें से एक जगह ये है। सो आप जब भी यहाँ पे आए तो इस जगह पे आना मत भूलिए। आइए इस मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं माता जी। कसार देवी मंदिर के अंदर में वीडियो फोटोग्राफी या स्टिल फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए अंदर से हमने कुछ शॉट नहीं लिए। आप व्यूज देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। यहाँ से ऊपर एक मंदिर और है तो चलिए वहाँ चलते हैं। कसार देवी टेंपल से ऊपर एक और भैरव जी का ये मंदिर बना हुआ है और शिव जी का मंदिर है। ये भी एंशियंट मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है और यहाँ से भी व्यू बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ बहुत अच्छा एक साइन बोर्ड मैंने देखा है, प्रकृति से जुड़ाव ही खुद से जुड़ाव है। लव नेचर, लव योरसेल्फ। शिव जी की धुनी लगी हुई है और साथ में त्रिशूल भी लगा हुआ है। सामने भी एक शिवलिंग है और नज़ारे देखिए यहाँ से। कसार देवी के अमेजिंग दर्शन करने के बाद में गोलू देवता की तरफ निकल चुके हैं और कसार देवी ऐसी जगह है कि यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। पूरा दिन मैं उस मंदिर पे स्पेंड कर सकता हूँ, इतनी पॉजिटिव वाइब्स है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा। और आप ज़रूर एक बार यहाँ पे मेरे कहने पे आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ से ये रास्ता देखिए गोलू देवता का, कसार देवी से गोलू देवता के रास्ते पर निकल पड़े हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी घंटियाँ, कितने कोर्ट के कागज़ यहाँ लगे हुए हैं और आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं।
अद्भुत है यहाँ का नज़ारा।